हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी फ्रेंड आरजू और आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल अचरज गेम कॉर्नर में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गणेश चतुर्थी स्पेशल एक गेम, जिसको आप बिना किसी स्पेशल तैयारी के खेल सकते हैं और आराम से मज़े भी ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको चाहिए सिर्फ एक डाइस और इस तरीके से आपको 6 स्लिप्स बनानी है, जिसपे आपको लिखना है गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जो मैंने यहाँ पर 6 स्लिप्स बनाई हैं उसी नाम से यहाँ पर आपको छोटी छोटी बहुत सारी स्लिप्स बनानी है। सपोज आपको हर एक स्लिप की कम से कम 6 to 8 स्लिप्स तो होनी ही चाहिए। अब आपको गेम किस तरीके से खेलना है, मेंबर्स इसको 1 by 1 खेलेंगे, इसमें कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, उनको सिर्फ 6 टर्न्स खेलनी है, उनको 6 बार डाइस रोल ऑन करना है। जैसे कि यहाँ पे 6 स्लिप्स हैं तो हर स्लिप के लिए एक एक बार वो डाइस रोल ऑन करेंगे और जितना नंबर आएगा उतनी ही स्लिप्स इसके ऊपर रखेंगे। उसके बाद पॉइंट्स को कैसे काउंट करना है मैं आपको थोड़ा सा खेल कर बता देती हूँ। मैं इसके लिए गणपति के लिए सबसे पहले डाइस रोल ऑन करूंगी, यहाँ मेरा आया 2 तो मैं यहाँ पर रख दूंगी 2 स्लिप्स। अब मैं बप्पा के लिए डाइस रोल ऑन करूंगी, 5 आया तो यहाँ पे आ जाएंगी 5 स्लिप्स, 1 2 3 4 5। मोरिया के लिए अब स्लिप्स 5 यहाँ पर भी आया है तो अगेन यहाँ पर 5 स्लिप्स आ जाएंगी, 1 2। कोई भी रैंडम स्लिप्स आप यहाँ पर रख सकते हैं, 4 5। नाउ मंगल के लिए अब मैं डाइस रोल ऑन करती हूँ, यहाँ पे मेरा 1 आया है, यहाँ पे 1। बेसिकली ये एक लकी गेम भी है, अगर जितने ज़्यादा नंबर आएंगे उतना ही ज़्यादा आपका स्कोर बनेगा। 1 2 3 4 2। अब ये मेरी लास्ट टर्न हो चुकी है कंप्लीट, मैं डाइस को साइड में रख देती हूँ। अब किस तरीके से पॉइंट्स काउंट होंगे, जैसे कि यहाँ पे गणपति लिखा है और अगर स्लिप्स में भी गणपति ही होगा तो वो वाले पॉइंट्स काउंट कर लिए जाएंगे। बट इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट भी है जो मैं अभी आपको बताती हूँ। पहले मैं आपको स्लिप्स खोल कर दिखा देती हूँ, यहाँ पर मेरा गणपति आ गया है, पहले ही स्लिप में गणपति आ गया है, ये मेरा काउंट हो जाएगा। दूसरा आया है मेरा मोरया, तो इसको मैं साइड कर देती हूँ, ये काउंट नहीं होगा। अब आती है बप्पा की बारी, यहाँ पर मैं चेक करती हूँ, यहाँ पर मोरया ये नहीं होगा काउंट, यहाँ पर मोरया ये भी काउंट नहीं होगा, गणपति ये भी काउंट नहीं होगा, मंगल भी काउंट नहीं होगा और ये भी काउंट नहीं होगा। तो यहाँ पर मुझे कोई भी पॉइंट नहीं मिला। अब आती है मोरया की बारी, यहाँ पर ये कोई काउंट नहीं हो रहा, मूर्ति भी काउंट नहीं होगा, गणपति काउंट नहीं होगा, मौर्य लिखा है नीचे तो स्लिप में भी मौर्य ही होना चाहिए, ये भी काउंट नहीं होगा एंड एक मौर्य मेरा आ गया, तो ये इसको मैं यहीं रख देती हूँ, ये मेरा काउंट होगा। अब आती है मंगल की बारी, यहाँ पे एक ही स्लिप है, मंगल ही होना चाहिए बट यहाँ पर नहीं है तो ये हटा देते हैं, ये काउंट नहीं होगी। अब आती है मूर्ति की बारी, मूर्ति ये नहीं है, मूर्ति इसमें ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। अब अगेन मौर्या पे देखते हैं कितने मौर्या आते हैं, ये नहीं आया और ये भी नहीं आया। तो अभी मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही स्लिप निकल के आई हैं, यानी कि मेरा स्कोर होता है 2। अब जो मैं आपको ट्विस्ट की बात बता रही थी, अगर सपोज़ करिए अगर मेरी सब पे ही एक एक स्लिप बच जाती और वो वही स्लिप होती जो लिखी हुई है, यानी कि कुछ इस तरीके से मुझे एक सेंटेंस पूरा का पूरा मिल जाता तो वो सेंटेंस के मुझे 5+ एक्स्ट्रा मिल जाते। मान लीजिए मेरी यहाँ पर होती इस तरीके से कुछ स्लिप्स होती, कोई भी रैंडम स्लिप्स मैं रख देती हूँ, तो अब यहाँ पे मेरी काउंट कौन कौन सी होगी, एक तो गणपति काउंट हो जाएगी, बप्पा काउंट हो जाएगी 2 3, मौर्या मंगल काउंट हो जाएगा 4, यहाँ पर मूर्ति काउंट हो जाएगा 5 और यहाँ पर मौर्या काउंट हो जाएगा 6। अब ये 6 पॉइंट तो मेरे काउंट होंगे प्लस जो मेरा पूरा सेंटेंस, यानी कि मुझे 6 स्लिप्स की एक एक स्लिप मिल गई है तो 5 पॉइंट मुझे उसके भी मिल जाएंगे, यानी कि 6+5 मेरे को 11 पॉइंट्स मिलेंगे। और जितने ज़्यादा स्लिप्स आपकी मैच होंगी, जितने ज़्यादा सेंटेंसेस बनेंगे उतना ही ज़्यादा आपका स्कोर हो जाएगा। तो ये था मेरा गेम, अगर आपको गेम पसंद आता है तो लाइक शेयर करना ना भूलें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।